Salione, che hai detto a noi, sono una storia di salmo santa conga, perché qui, tu carei sei, ah, guarda poi, andi. Randam Satguru, tira di asra. Sham Stanam, Rujistani, tira di asra. गुणागार की तरफ से आपके चरणों में चरण वंदना। सतगुरु जी की असीम कृपा से मैं आजकल एक छोटी मनियारी की दुकान कर रहा हूँ। मुझे सन 78 में नामदान की बख्शीश सतगुरु जी की अपार कृपा से हुई। सन 78 से अब तक सतगुरु ने बहुत करिश्मे दिखाए। उनमें से मैं कुछ सतगुरु जी की कृपा से लिख कर आपके चरणों में भेज रहा हूँ। नामदान लेते ही सिमरन का शौक सतगुरु जी की कृपा से बहुत ज्यादा बढ़ गया कि आप और शाह मस्ताना जी हंसते हुए साथ साथ चलते हुए दिखाई देते थे। शादी भी पिताजी ने बचपन में ही कर दी थी। शादी के बाद शुरू में मैं एक बार ससुराल आ रहा था तो हिसार से गाड़ी की टिकट ली। मैंने कहा जी सरसा की टिकट देना। तब स्टेशन मास्टर ने कहा कि तू सिरसा तो नहीं जा रहा। मैंने फिर दोबारा कहा सिरसा की टिकट देना जी। फिर दोबारा स्टेशन मास्टर ने कहा कि तू सिरसा तो नहीं जाता। तब मैंने कहा जी गलती आप डिंग की टिकट देना जी। टिकट लेकर हम दूसरे प्लेटफार्म पर आए। गाड़ी हिसार से चलने का समय 10:30 का था, इसलिए हम बैठने के लिए जा ही रहे थे कि एक आदमी पीछे से दौड़ा हुआ आया कि ये गाड़ी सिरसा जा रही है, आप गाड़ी में बैठते क्यों नहीं। तब मैंने कहा सच। तब उसने कहा हाँ ये गाड़ी सिरसा जा रही है, आप जल्दी बैठो। फिर पूछने पर पता चला कि ये गाड़ी सुबह वाली है जो लेट हो गई है। उस समय मैं बच्चा होने के नाते काफी अनजान था, लेकिन सतगुरु ने वहां किसी आदमी में बैठकर इस गुनाहगार की सहायता की। सन 80 में मैंने संगरिया से एग्रीकल्चर साइड से हायर सेकेंडरी की। वहां साथ वाले लड़के कहते थे कि तू काम तो करता नहीं, पास नहीं होता। जो लड़के कहते थे पास नहीं होता वे लड़के फेल हो गए और गुनाहगार को सतगुरु ने गुड सेकंड डिवीजन में पास कर दिया। सन 85 में एक प्लाट का झगड़ा हुआ। प्लाट सन 72 का खरीदा हुआ था, लेकिन प्लाट बेचने वाले ने मेरे पिताजी श्री लालचंद जी को धोखा देकर दोबारा रजिस्ट्री करवा कर असके दाड़ी वाला पता नहीं केड़ा आ गया हाँ जी धोखा देकर दोबारा कीमती गल दोबारा रजिस्ट्री करवा कर अपने लड़के के नाम से हक शुफा करवा दिया। इस नहीं हुई सी भाई कि नहीं गला इस नहीं हुई सी हक शुफे के विपरीत हमने भी सतगुरु जी की कृपा से केस दायर करवा दिया। लोग कहने लगे हक शुफे का केस तो कोई जीत भी नहीं सकता, लेकिन सतगुरु जी की असीम कृपा से कृपा ने हक शुफे सुप्रीम कोर्ट से सब कैंसिल करवा दिए और फैसला सतगुरु के हक में हो गया। ये खेल देखकर सब हैरान हो गए। एक किस्सा सतगुरु जी की दया मेर से मेरे पिताजी श्री लालचंद जी की मौजूदगी में हुआ। वो आज सतगुरु जी की गोद में है। सन 85 में उनको जुबान का वह आधे शरीर का लकवा हो गया। तब हमने सतगुरु जी की कृपा से उनको सिविल हॉस्पिटल हिसार में दाखिल करवाया। डॉक्टर साहब ने 15 दिन की दवाई दी, लेकिन कोई आराम नहीं आया। तब डॉक्टर ने कहा कि आप इनको जिंदल हॉस्पिटल डॉक्टर सुभाष मित्तल से चेक करवा कर लाओ। तब मैं उनको जिंदल हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर उस दिन किसी बच्चे का कान का ऑपरेशन कर रहे थे। हाफ टाइम तक वे नहीं आए। तब किसी ने कहा कि आप इनको डॉक्टर की कोठी पर ले जाओ।
डॉक्टर हाफ टाइम में कोठी पर मिलते हैं। तब मैं उनको कोठी पर ले गया, तब वहां कई मरीज और बैठे थे। उनको चेक करने के बाद फिर मेरे पिताजी को चेक किया, तब डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका गला साफ नहीं है, इसलिए मैं दवाई लिख कर देता हूँ, आप ये दवाई लेकर इनके गरारे करवा कर लाओ। तब मैं मेडिकल से दवाई लेकर टूटी पर उनको पानी पिलाया, फिर शीशी खोलने लगा, लेकिन शीशी खुली नहीं। मैंने काफी जोर लगाया लेकिन शीशी की सील नहीं टूटी। आम तौर पर शीशी की सील फौरन टूट जाया करती है, लेकिन उस दिन नहीं टूटी। मैं फिर दोबारा मेडिकल पर गया और मेडिकल वाले को कहा कि भाई साहब चाकू देना, शीशी की सील खोलनी है। जैसे ही मैंने वो शीशी मेज पर रखी, उसने वो शीशी फौरन उठा ली और कहने लगा कि आप इस शीशी का क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि पिताजी के गरारे वास्ते डॉक्टर ने लिख कर दी है। तब उसने कहा कि भाई साहब हमारे सभी के दिन अच्छे थे, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती। मैंने कहा वो कैसे? तब उसने कहा कि ये दवाई इतनी प्रभावशाली हाइड्रोजन जहर है कि अगर एक बूंद भी अंदर चली जाए तो फौरन आदमी खत्म हो जाता है। तब मैंने कहा कि डॉक्टर ने ये क्यों लिखी है? तब मेडिकल वाले ने कहा कि डॉक्टर से गलती हो गई है, इसके आगे एक अक्षर लिखना उनसे जल्दी में रह गया है। तब मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया और कहा कि डॉक्टर साहब ये आपने क्या लिखा है? डॉक्टर साहब ने पर्ची देखते ही फौरन फाड़ दी और कहा भाई साहब दवाई मेरे पास पड़ी है, मैं खुद ही गरारे करवा लूंगा। तब डॉक्टर ने गरारे करवा कर चेक करके बतलाया कि इनको एक साइड का लकवा हो गया है। ये सब सतगुरु के पर्चे ने सतगुरु के हुक्म से हुआ, क्योंकि उनके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बीमारी 5 साल चलने के बाद वे 20 मई 1990 को अपना जिस्मानी चोला छोड़ गए। जाने से एक सप्ताह पहले इशारे से शाह मस्ताना जी की फोटो की तरफ हाथ करके कहने लगे, बोल तो नहीं पाए क्योंकि जुबान बंद थी, कि आए अर्थात मस्ताना जी लेने के लिए आए हैं। दूसरे सप्ताह सतगुरु के हुक्म से हलवे का प्रसाद बना, उन्होंने प्रसाद खाया, रोटी हर रोज खाते थे, लेकिन उस दिन 19 मई 1990 वार शनिवार रोटी लेने से मना कर दिया और 20 मई 1990 वार रविवार सुबह 3 बजे दौरा पड़ा और 3 बजे आपने गुनाहगार के घर से बीबी को दर्शन दिए। तब उसने जोर से नारा लगाया कि गरीबन वाज तेरा ही आसरा। तब आपने कहा कि देखो भाई कितना प्यारा नारा लगाया है, और आप जोर से हंसे। इधर इनको 3 बजे दौरा पड़ा, उनको 3 बजे दौरा पड़ा और 6 बजे खुशी खुशी चले गए और चेहरा पहले से भी अच्छा था। तीसरे दिन हम डेरे आए, तब आपने एक रील भी दिलवाई कि एक दिन काला सिरे, वह रील आपके हुक्म से घर पर चलाई, जिससे लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। 2 जून 1991 शाम को सत्संग में आपने 2 बार गुनाहगार पर टॉर्च से लाइट मारी, जिससे खुशी की कोई सीमा नहीं रही। अब दिन रात यही लगन लगी रहती है कि सतगुरु जी कब मेहर करेंगे, कब दर्शन देंगे। इसी बेचैनी में दिन रात गुजरते रहते हैं। ये सतगुरु जी की दया मेहर है, और अधिक क्या लिखें, इस गुनाहगार की आपको सब खबर है। करे थोड़ा भी कर दिया सब पढ़ते होंगे अगले दिन। अब सुनो भाई, मैं तो पढ़ सुनो, आ चीजा चाहिए ने, आ गल्ला चाहिए ने अंदर। तुम दस दिन गुरमुख से मनमुखी होंगे। हाँ गुरमुख साधुओं वास्ते खास कर याद रखो ये। गुरमुख हर एक के साथ सच्चा बरतता है और बुराई की बातों से बचता है, और किसी को
धोखा नहीं देता है और जो काम करता है सतगुरु के लिए और उनकी दया के भरोसे पर करता है। मनमुख चतुराई देख लो, चतुराइयां नहीं छटते, बस इतने भी चतुराइयां करेंगे। जी भी क्या करते हैं जी भी देखी की पर्दा खोलिए देखना रहे। हाँ जी, मनमुख चतुराई और कपट से बचता है। मारे दे दो हरिंदर है और अपने मतलब के लिए औरों को धोखा देता है और अपनी बुद्धि और चतुराई का भरोसा रखता है और अपने आप को प्रकट करना चाहता है। गुरुमुख मन और इंद्रियों को रोकता है और चित्त से दीन रहता है और तान के वचन को सहता है और नसीहत को प्यार से सुनता है और अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। मनमुख मन और इंद्री का मर्दन पसंद नहीं करता है और किसी से दबना या उसका हुक्म मानना नहीं चाहता है और दूसरे की बड़ाई की बर्दाश्त नहीं रखता है। गुरमुख किसी पर जबरदस्ती नहीं करता और सबकी खातिरदारी और सेवा करने को तैयार रहता है और औरों का उपकार करना चाहता है और अपनी पूजा और प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखता है और सतगुरु की दया और उनके चरणों में लिवलीन रहता है। मनमुख औरों पर हुक्म चलाता है और सेवा लेता है और अपना मान चाहता है और बिना कुछ अपने मतलब के औरों से प्रीत नहीं करता और खुशी से अपनी पूजा और प्रतिष्ठा कराता है और चरणों में लिवलीन नहीं रहता है। गुरमुख गरीबी और दीनता नहीं छोड़ता है और जब कोई उसकी निंदा करे या निरादर और अपमान करे तो दुखी नहीं होता बल्कि उसमें अपने लिए भलाई समझता है। मनमुख निंदा और अपमान से डरता है और अपना निरादर खुशी से नहीं सहता। फकीर निंदा नु पसंद कीता है। निंदो निंदो मोको प्यारे, निंदा मोए खरी प्यारी। निंदक जीवे जो जो काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कोटी को चाकर है। सारे फलाउंदा फिरदा है, वो आए सारे ने मशहूर करदा। मनमुख निंदा और अपमान से डरता है और अपना निरादर खुशी से नहीं सहता और बड़ाई चाहता है। गुरमुख सेवा में आलस नहीं करता और कभी खाली बैठना मनमुख देख लो। हाँ जी, कभी खाली नहीं बैठता। दुनिया में वो कामयाब होता जो खाली ना बैठे लगे रहे। आज ने वो बनाई नहीं निश्री कड़ी अक्षोड़, सारे काम कर लेंदा रात नहीं, दिन सारा दिन मिलने की फुर्सत रहती है। लोग हैरान से भी किमें कम करता है, किमें मिलता है, कम का किड़ा वक्त है। हाँ जी, मनमुख तन का आराम चाहता है और सेवा में सुस्ती करता है। गुरमुख गरीबी और सादगी से रहता है और जो सामान मिल जावे रूखा सूखा मोटा झोटा उसी में खुशी से गुजारा करने को तैयार रहता है। मनमुख सदा अच्छे अच्छे पदार्थों को चाहता है और उनको प्यार करता है और रूखे सूखे और ओछे पदार्थों को पसंद नहीं करता। गुरमुख संसारी पदार्थों और दुनिया के जाल में नहीं अटकता है और उनकी लाभ और हानि में दुखी सुखी नहीं होता है और जो कोई अच्छी बात कहे तो उस पर गुस्सा नहीं करता है और सदा अपने जीवन के कल्याणी और सतगुरु की प्रसन्नता पर नजर रखता है। मनमुख संसारी और उसके पदार्थों का बड़ा ख्याल रखता है और उनकी हानि लाभ में जल्द सुखी दुखी होता है और जो कोई कड़वा वचन कहे तो फौरन गुस्से में भर जाता है
और सतगुरु की मेहर और समर्था का भरोसा और ख्याल नहीं रखता है। गुरमुख हर बात में सफाई और सचौटी रखता है और चित्त से उदार रहता है और औरों से सलूक करता है और औरों का फायदा चाहता है और आप थोड़े में संतोष करता है और दूसरे से लेने की चाह नहीं रखता है। मनमुख लालची है, सदा औरों से लेने को तैयार रहता है और देना नहीं चाहता है और अपना फायदा हर बात में विचारता है, दूसरे का ख्याल नहीं रखता और तृष्णा बढ़ाता है और सफाई से नहीं बरतता है। गुरमुख संसारी जीवों से बहुत प्यार नहीं करता है और भोगों की चाह और आशा नहीं रखता है और सैर तमाशे नहीं चाहता है। उसको केवल चरणों के प्राप्ति की चाह रहती है और उसी के आनंद में आशक्त रहता है। मनमुख संसारी जीवों और पदार्थों से प्रीत करता है और भोग विलास चाहता है और सैर तमाशे में खुश रहता है। सैर तमाशे अखबार माड़ा मोटा करना पैंदा, होया कोई गल खास अपने मतलब दी, नहीं तां उही लड़ी जांदे ने। अखबार भी पिटका पाता मन लो मली आई जांदा, इक चौधरी ने बन लिया अंग्रेजी का, सारा देश दे मत्था मारना पई मां किथे चौधरी हां अंदर है काम खाती गल्ला अंदर रखी जाओ पंजा रहने नहीं फिर। हाँ जी, गुरमुख जो काम करता है अंदर की करता अंदर इतने किथे बैठा भाई मां मल्ल मल्ल अखबार बने अभी नहीं टिकला मिलता। हाँ जी, गुरमुख जो काम करता है सतगुरु की प्रसन्नता के लिए और बस एक रेडियो सारे ने अंदर रख लेना हूं चोरी चोरी सुन देने के। नहीं खराब होंगी दुनिया ते भजन सुहाव ने सन तो रेडियो लाना भी नहीं आऊंगा ना। ठीक गल है, हाँ जी हाँ। और उनसे दया और मेहर चाहता है और सतगुरु ही की उस्तुत करता है और उन्हीं की बड़ाई चाहता है और संसारी चाह नहीं रखता। मनमुख जो काम करता है उसमें कुछ अपना मतलब या स्वाद देख लेता है क्योंकि बिना मतलब के उससे कोई काम नहीं बन सकता। ये सारे छुपावांगे, बस यही ना ही छुपा के एक ही विद्या ने पढ़ लिया था। हाँ जी, और सदा अपना आदर और उत्तर चाहता है और संसारी चाह उसके जबर रहती है। गुरमुख किसी से विरोध नहीं करता बल्कि विरोधी से भी प्यार करता है। ये फकीरी की निशानी है। सत्ती तवे ते बह गए, दिल एडी बर्दाश्त की थी, उन्होंने पिछले क्या सब कुछ कर सकते थे। मियां मीर ने कहा मैं दिल्ली लाहौर दी एडिट कर दें, देख लो माड़ा जूठा छिलका चुपया थी, वो सारी ताकत समुद्र आजम करी बैठे थे। हाँ जी, और कुल कुटुंब जात पात और बड़े आदमियों से दोस्ती का अपने मन में अहंकार नहीं लाता। ओ मसूर ने सूली ते चढ़ाया, पहला उदे लत्ता कटिया, कहंदा ये तो कटिया जिहड़ियां लत्ता मालिक दरगाह च फिटी उन्हूं कौन कटू, फिर बाहां कटिया, कहंदा जिहड़ी बाहां मालिक दरबार नूं आ पकड़दियां ने उत्थे जांदियां उन्हूं कौन कटू, फिर उहदी अखां कढ़ियां, कहंदा जिहड़े मालिक नूं देखदे उन्हूं कौन कटू, फिर जवान कट्टण लगे। कहंदा इक मिंट ठहर जा, कहने या खुदा जिन्होंने मैं इन्नी पीड़ा पहुंचाई है इन्होंने कुछ ना कहना,
इन्हें मेरी मंजिल आसान करती है। मैं पता नहीं कब तेरे को आंदा हूं, मैं तेरे को चट आ जाऊंगा। बोल ये है फकीरी, ये ना है फकीरी। हाँ हाँ जी। और प्रेमी और सच्चे परमार्थी जीवों से ज्यादा प्यार करता है और सतगुरु के चरणों का प्रेम सदा जगाए रखता है और उनकी दया और मेहर नित प्रति विशेष हासिल करना चाहता है। मनमुख बहुत कुटुंब और मित्र चाहता है और धनवान और हुकूमत वालों से ज्यादा मोहब्बत करता है। बस हाँ। और उनकी मित्रता और अपनी जात पात का अहंकार रखता है और दिखावे के काम बहुत करने को चाहता है और सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल कम करता है। गुरमुख गरीबी और मुफलसी से नहीं घबराता है और बड़ी मस्जिद पे हाय हाय लग जाती है दुनिया में, कर्म भी कटाने सतगुरु ने। हाँ। जो तकलीफ आ पड़े उसको धीरज के साथ सहता है। दुख सुख करते तो लिख पाया, दूजा पाओ आवरताया। गुरमुख होए सो लिप्तो वरते, मनमुख का क्या विसा है। दुख होवे सुख होवे उसकी रसा समझा है। बच्चा मर गया उसकी मौज, पैदा हो गया उसकी मौज, बीमार हो गया उसकी मौज, राजी हो गया उसकी मौज, ये है थोड़ा देर उसकी मौज है। हाँ है लगी पई हुई दुनिया। हाँ जी। और सतगुरु की दया का भरोसा रखता है और उनका शुक्र करता रहता है। मनमुख बहुत जल्द तकलीफ से घबरा कर पुकारने लगता है और निर्धनता से दुखी होकर इधर उधर शिकायत करता है। बस है। हाँ। गुरमुख सब काम मौज के हवाले करता है और चाहे भला होवे चाहे बुरा होवे अपना अहंकार उसमें नहीं लाता है और अपनी बात की पक्ष नहीं करता और औरों की बात को ओछी करके नहीं दिखलाता और झगड़े के कामों में नहीं पड़ता और हमेशा सतगुरु की मौज निहारता रहता है और उनका गुण गाता हुआ चलता है। ले गया। अच्छा चले सुन गए। हाँ कोई मरीज ला जी और। हाँ जी। हाँ। मनमुख सब कामों में अपना आपा ठानता है और अपने मजे और नफे के लिए झगड़े और रगड़े का काम उठाता रहता है और अपनी बात की पक्ष में क्रोध करने और लड़ने को तैयार हो जाता है। गुरमुख नई नई चीजों में और बातों में नहीं अटकता। भुखे मरदे आंदे ने इत्थे जरा चंगे कपड़े मिल जाण, चंगी गल बस लाड़ साहब बन जाते। जेड़े अमीर ने वो आगे थे नीवे होंदे ने, देख लिया अज भी देखे जिथे जाओ। क्योंकि वो देखता है कि उनकी जड़ सुने या देखे उसमें अपने मतलब का नुक्ता जो सतगुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ावे छांट लेता है और सदा सतगुरु की महिमा गाता रहता है जो कि सब गुणों का भंडार है। मनमुख चाहता है कि नित नई नई चीजें देखें और नई नई बातें सुने। बस और हर किसी का भेद और गुप्त बात दरियाफ्त करना चाहता है। फिर उन्हें खटना की है अंदर ही आऊंगी अगर। हाँ जिन्ने ख्याल कड़ूगा उन्हें फायदा है, सर और पाई जाने बस। हाँ। और इधर उधर से बातें चुनकर अपनी बुद्धि और चतुराई बढ़ाता है, ये सब को जिता कर अपनी महिमा कराना चाहता है और अपनी उस्तत में बहुत राजी होता है। गुरमुख एक फकीर ने कहा बड़े आदमी ने दुनिया ना ज्यादा रलना मिलना अपने आप गुनाह का न्योता देना है। हाँ। हाँ जी। गुरमुख
जो काम परमार्थी करता है धीरज के साथ करता है और हमेशा सतगुरु की दया और मेहर का भरोसा उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरे करना चाहता है और इस जल्दी में सतगुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल जाता है। ये सब बातें जो गुरमुख की चाल में वर्णन की गई हैं, सो सतगुरु की मेहर से प्राप्त होंगी जिस पर उनकी कृपा होवे। बस वे, हाँ। उसी को वो बख्शिश करे। बस बोल भाई, ठीक है। हाँ जी, क्यों भाई की है भूल भुलैया का तमाशा है? है भूल भुलैया केड़ा बोलन लगे थे? केड़ा बोलन लगे थे? गए थे ना लखनऊ भूल भुलैया केड़े केड़े गए थे याद नहीं गए थे? हाँ फिर बस निकल रहा मिलता सी भाई इस तरह भूल भुलैया च पई सारी दुनिया है। हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा आ कोई देखो रे भूल भुलैया का तमाशा देखो रे भूल भुलैया का देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा ना कोई आवे ना कोई जावे ना कोई आवे ना कोई जावे झूठे जग का नाता ना कहूं की भैन भाण जी ना कहूं की भैन भाण जी ना कहूं की माता रे कोई देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा मिलिट्री दी वाडी बाद मिलिट्री महन बन गया उस दी बाद कोसला दूसरी बाद साधा सिविलियन ना कोई आवे ना कोई जावे ना कोई आवे ना कोई जावे झूठे जग का नाता ना कहूं की भैन बाण जी ना कहूं की भैन बाण जी ना कहूं की माता रे कोई देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा तू
ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮਨ ਬਸ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਖੱਟੋਗੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਕੋ ਆਏ ਉਹ ਕੋ ਆਏ ਬਸ ਚਲੀ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਜੋਡੀ ਲਗ ਤੇਰੀ ਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪੋਰੀ ਲਗ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਰ ਘਟ ਲਗ ਸਭ ਜਾਏ ਬਰਾਤੀ ਮਰ ਘਟ ਲਗ ਸਭ ਜਾਏ ਬਰਾਤੀ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਤਾ ਰੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਰੇ ਲੋਗੋ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਰੇ ਲੋਗੋ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਖਮਲ ਖਾਸਾ ਸ਼ਾਲਾ ਨਿਤੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਖਾਕ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਰੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਰੇ ਲੋਗੋ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਰੇ ਲੋਗੋ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਖੇਡਦੇ ਬੜੀ ਰੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਜੋੜ ਲੱਖ ਪਚਾਸਾ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਰੇ ਲੋਗੋ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਰੇ ਲੋਗੋ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਵਾਹ ਕੇ ਲੀਏ
बहुत कम समय देता है। फरीद साहब फरमाते हैं कि हाथ हलाल की कमाई हुई रूखी सूखी रोटी खाकर ऊपर से ठंडा पानी पीकर गुजारा करो, दूसरों की चिकनी चुपड़ी को देखकर अपने दिल को ना तरसाओ, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाइए जियो। बड़िया देखते ने फिर हाय हाय लगी पी है, छोटे देखे भी कि गुजारा करता फिर नहीं दे, फिर शांति रही है। हाँ। एक महात्मा का कथन है कि तुम जितना हक हलाल से कमाते हो और उससे कम खर्च करना जानते हो तो तुम्हारे पास पारस पत्थर है, अर्थात उसमें हजारों बरकते हैं। बुद्धिमता के साथ खर्च करता हुआ आदमी थोड़े धन से भी अपना गुजारा कर सकता है, परंतु फजूल खर्ची से सारे ब्रह्मांड की दौलत भी थोड़ी होगी। एक महात्मा का कथन है, सदा अपने आप से छोटे और गरीब मनुष्यों की ओर देखें कि वे कैसे निर्वाह करते हैं, तभी आप सुख शांति और संतोष से रह सकते हैं। दूसरों की चिकनी चुपड़ियों को देखकर मनुष्य का दिल कभी ठिकाने नहीं रह सकता और वह लोभ और तृष्णा में फंसकर बुरी कमाई की ओर ध्यान करने लगता है और भोगों में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। ऐसे मनुष्य को ना कोई धन ही तृप्त कर सकता है और ना किसी प्रकार का भोग ही। यदि आज 100 रुपए कमाता है तो कल 1000 के लिए दौड़ता है और परसों लाख के लिए और नए नए भोगों को भोगने की इच्छा पैदा होती रहती है। संतोष के बिना मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता, नहीं होता और सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। बच्चों को नसीहत करता है कि संतान बचपन से ऐसी चीज मिली है, बस मामी ने पढ़े उन्हें मैंने किसी कर दी चीज खाने नहीं दी थी, उन्हें क्या भी उधार ना लें किसी से भी, ये शाम में ले आंदा सवेरे देता है, सवेरे ले आंदा शाम में देता है, कहे तनखा नहीं मुकने देती है, जा गरीबी जा मेरी। हाँ, लोग बड़ी इज्जत करते थे कि डीसी डूसी से सारे तो पै रहे ने उधार से तो है ही नहीं। हाँ जी, पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे, बेहद ज्यादा की उम्मीद मत रखो, कम की उम्मीद रखना और उसे भी ज्यादा ख्याल करना सुख और शांति प्राप्त करने की कुंजी है। सच सौदे भी असी जाना दुकाना दे हिसाब करना थोते ले लांगे, बोल असी आप पीछे पीछे बैठा। हाँ जी, इतने भी कदे उधार नहीं रखे। हाँ जी, उमर ख्याम साहेब फरमाते हैं कि दुनिया में जिसको खाने के लिए रोटी मिल रही है और बैठने के लिए छोटा सा ठिकाना है, वह ना किसी का गुलाम है और ना ही किसी का मालिक। उसको कह दो खुश रहे कि खुश रहे, क्योंकि यही कुछ काफी है। बस भाई, फिर शांति आएगी, नहीं शांति नहीं किसी ने है लगी भैया सब बस। हाँ हाँ जी, शेख सादी साहिब फरमाते हैं कि न मैं घोड़े पर सवार हूँ, ना ही ऊंट की तरह बोझ से लदा हुआ, ना किसी का मालिक हूँ और न किसी का गुलाम। अगले पिछले झगड़ों को छोड़कर मैं सुख से अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। संतोषी मनुष्य के समान कोई इच्छा नहीं और संतोष के बिना सब अमीर और बादशाह भूखे के भूखे
और कंगाल के कंगाल ही हैं। कबीर साहब फरमाते हैं कि संतोष जैसे धन के आने पर सब इच्छाएं मिट जाती हैं, इच्छा के साथ साथ चिंता खत्म हो जाती है और मन बेपरवाह हो जाता है। जिनको अंदर दिल से कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा बादशाह है। माल दौलत हाथी घोड़े और हीरे जवाहरातों की खाने संतोष के आने पर मिट्टी के समान दिखाई देने लगती हैं। बस हाँ जी बोल। सारे जरा कोई कह दे बस उन्हें माड़ी जी काल कड़ी उन्हें डंग ला चके चल रहे देख लो अगे देखे पता के पता नहीं कुल्ला खत्म किसान के आवतकारी एक उल्टे हो या नहीं कह कभी ना उल्टे भाई एक ही एक खत्म हो गया तो हाल किरा बस। हाँ जी
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੋਦਰੀ ਦਾ ਸਿਉਂਦਾ ਸਿਉਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਲਈ ਗੋਦੀ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਕਢਾ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੂਈਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਦਮੀ ਲਾਏ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਮਿੱਛੀ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੱਟੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਲਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੋ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਹਮਾਰੀ ਪਲ ਬਣ ਆਈ ਸਬੂਰੀ ਮੈਂ ਮਨ ਲਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੋ ਯਾਰ ਮਨ ਲਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੋ ਯਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਮਾਲਕਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬੈਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਆਹ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾ ਆ ਗਏ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਸੜਿਆ ਸੁਬਹਾ ਕਰੀ ਹਾਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਫਕੀਰ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਦੇਖ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੂੰ ਘਾਹ ਖੋਦਾ ਖੋਦਾ ਐਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਰਪਾ ਚੱਕ ਲੈ ਚਾਦਰ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਕਮਾਵੇ ਦੇਖਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਭੁਗਤਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਬਰ ਨਾ ਰਹੇ ਬਸ ਜੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਹੀ ਬਾਈ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹਾਂਜੀ Thank you.
आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिराते मगरूरी में मन ना गयो मेरो यार, मन ना गयो मेरो यार फकीरी में। और देवी ने पहले बनी प्रहलाद पीछे बने शरीर बोल गुरु ग्रंथ साहब का भी है काय मन डोलता हां देख लो हां एक आसाई लिखदा ते हो के और रूम लिखदा बस सुना हां हां जी है इस संबंध में एक ईसाई फकीर इत्थे नहीं सीधे फकीरां कोल नहीं सीधे उत्थे लालची बन जांदे आ किस खूबसूरती से फरमाते ब्यास एक दवाइयां बेचता से असा जी कहना तुम बुढ़े बुढ़े ने पीछे फिरते हो ताई रोटियां खाने हो आ दवाइयां बेच के नफा खट गया करो और ना खाया करो। स्ट्रीमिंग नाल से कहने जी किमें करिए भाई सचिव शुक्र अर्थ की कहने देखना मसाना फस जे ये दवाइया फस गया कोई वो फलाने कम च आया से ऐ करन लग गया फलाना भजन वास्ते आया से ऐ करन लग गया बस आ हाल। इस संबंध में एक ईसाई फकीर मुझे मन कही जाना तेरा गुजारा नहीं होना बस किस खूबसूरती से फरमाते हैं इस वास्ते मैं कहता हूं कि कभी फिक्र ना करो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे और न ही कि तुम शरीर पर क्या पहनोगे। जिंदगी अवश्य ही खाने पीने के धंधे से ऊंची है। जंगल के पक्षियों की ओर देखो। अभी मैं सुत्ते पे मारे दो कौन है चंगा इन कड्डे रोया आई ना करे रोज नींद बेईमान। हाँ जी जंगल के पक्षियों की ओर देखो ना कुछ बोते हैं और न कुछ काटते हैं और न ही कुछ इकट्ठा करके संभालते हैं तो फिर तुम्हारा सच्चा पिता उनको खुराक देता है। क्या तुम पक्षियों से अधिक समर्थ नहीं? कपड़े संबंधी भी तुम क्यों चिंता करते हो? फूलों की तरफ देखो न ही मेहनत करते हैं न काटते हैं तो भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि हजरत सुलेमान की पोशाक अपनी सारी शानो शौकत समेत इन फूलों में से किसी एक जैसी भी नहीं थी। बोल आगे मौलवी रूम साहिब की रचना में आया है कि मालिक सबको रोजी देता है। आप फरमाते हैं कि एक परहेजगार ने हजरत मुस्तफा से सुना कि मालिक सबको अन्न देता है, चाहे तू मांग चाहे न मांग, तेरी रोजी तेरी आशिक है। तेरी रोजी तेरी आशिक है, हाँ। वह जरूर तेरे पास आएगी। आए, आए, हाँ। इस बात की परीक्षा करने के लिए कि देखें मुझे किस प्रकार रोजी मिलती है, वह आदमी किसी पहाड़ की वादी में जाकर सो गया। संयोगवश रास्ता भूलकर एक काफिला उधर से आ निकला। उन्होंने क्या की सुना? उन्होंने उस आदमी को वहां पड़ा हुआ देखा तो काफिले वालों ने सोचा कि यह आदमी बिना किसी सामान के शहर से दूर जंगल में कैसे पड़ा है। बड़ा आश्चर्य है कि इसको न किसी जंगली जानवर का और न किसी दुश्मन का डर है। ईश्वर जाने ये जिंदा है या मुर्दा। उसके पास आकर उन्होंने उसको बहुत झंझोड़ा परंतु वह जानबूझकर कुछ न बोला, न उठा और न ही सिर हिलाया, बल्कि परीक्षा के तौर पर आंख तक न खोली। ये हाल देखकर काफले वाले कहने लगे कि इस गरीब बुड्ढे को भूख के कारण मूर्छा आ गई है। दाल और रोटी लाए और उसके मुंह में
डालने की कोशिश करने लगे। उस आदमी ने जानबूझकर दांत भींच लिए ताकि हजरत मुस्तफा के वचन को वचन की सच्चाई की कसौटी पर परख सके। काफले वालों को और भी रहम आया, कहने लगे कि ये बेचारा तो दम तोड़ रहा है और मरने के करीब है। दौड़कर एक छुरी लाए और उसके दांतों को जो जोर से बंद थे खोल दिया। फिर उसके मुंह में दाल का रस टपकाने लगे और रोटी के टुकड़े चूर चूर कर खिलाने लगे। उसने अपने दिल से कहा कि ऐ दिल, बेशक मैं शरीर को मुर्दे जैसा किए पड़ा हूँ, परंतु तुझे तो ये भेद मालूम हो गया। दिल ने कहा, हाँ मैं जान गया और मैंने ये परीक्षा इसलिए करवाई कि तू मालिक पर पूरा भरोसा रखे और संसारिक बातों से मुंह मोड़कर मालिक की तरफ ध्यान लगाए रखे। बाद में उस जाहिद महाशय ने मुंह खोला और कहा कि ये राजे की परीक्षा थी, परीक्षा थी, बेशक मालिक सबको रोटी देता है, हिर्स करना केवल मूर्खता है। ये कर हुण ये जे आपस विच सब रले तां शांति रहिंदी है। कर च शाह सुजा बादशाही खानदान च सी, उहदे इक लड़की सी, लड़की खूबसूरत सी, जवान हो गई। बादशाह ने कहा, वह भक्ति भाव वाला सी, बादशाह ने कहा कि शादी मेरे ना कर दे। वह कहना, चंगा मैं 3 दिन की मोहत दे दे। 3 दिन नठिया भजा बड़ा। 3rd din शाम नू मस्जिद दे विच एक फकीर नमाज पढ़ता सी। जब नमाज पढ़ हटिया, उन्होंने कहा तू शादी करानी है? कहना, शादी तो मैं करा ला, मेरे को है कुछ नहीं। तू शादी करानी है? कहना, मेरे कुछ नहीं, मेरे को 3 पैसे ने। शादी करानी है तो मैं दस। कहना, मैं शादी तो करा लूँ। कहना, एक पैसे रोटी लिया, एक लवान लिया, एक शक्कर लिया, उन्हें नकाह पढ़ा था। वो लिया, नकाह पढ़ा था, बीबी ला के कुटिया चले गया। छप्पर च देखा एक थौ इन्ना टुकड़ा पे, पूछे की? कहन लगा, मैं ये कल वास्ते रख लिया सी, कल खा लूंगा। तो बड़ी नाराज होई। कहने, मैं तगी कहन सी, शाह सुजा की लड़की मेरे ना किवें रह सकती है? कहीं मेरी इस गल के नाराज नहीं हुई। मैं नाराज इस वास्ते हैं, मेरे प्यो ने मैंने 20 साल पालिया। उन्हें कहा, मैं उन्होंने शादी करूँ जोड़ा भगती पाव वाला हो, जिन्हें मालिक से भरोसा हो। तेन तो यह भी भरोसा नहीं, कल मालिक दे दू। देख लो है भरोसा करता नहीं कोई। हाँ हाँ जी, हाँ लागे फकीरी। हाँ हाँ जी। एक और से भगती पाव वाला, उन्हें किसी से पैसे लेने जान लग गया। दूर जाना सी, काफी टाइम लगना सी, और कहना, मैं तेरे वास्ते की इंतजाम कर जा? कहने, जिन्नी मेरी जिंदगी ना कर जा। कहने, मैंने तेरी जिंदगी से की पता है? फिर रोटी भी तेरे हाथ नहीं, देख ला। उन्हें कुछ दिन बाद एक माई कहने लगी, देख तेरे वास्ते की कर गया इंतजाम। कहने, माई वो तो खान वाला सी, देने वाला हूं भी मेरे नाल। हाँ, इन्ना भरोसा है नहीं किसी ने। हाँ हाँ जी, मालिक से भरोसा करे, सब कुछ तैयार है। हाँ जी, दिल सच्चा चाहिए। हाँ हाँ जी, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार। प्रेम नगरी
तेरा ही आस। जी आता
हरदम का धारा। बस गया पांच ठगो के बाजार में जी, मेरे सिर पर जम का धारा। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुरु जी बेड़ी को मारे लगाना। पूजिया ताल बजाई, ताल बजाई, ताल बजाई, आकर पूजिया ताल बजाई। सब जुग बीतिया बोले अनाई, बोले अनाई, किया न्योली लगी आदि तोड़ निभाना मेरी ला।